everyone, I am Ankush from SSS. Here again, have come with a new topic in second MCQ session of economics. Today's topic for MCQs is indifference curve technique. But before further discussion, I would like to extend my big thanks to each one of you. I was really overwhelmed by the positive response I got on my first lecture. I'm so grateful and really very thankful to all of you. Bahut encouragement milti hai jab itne acche response milte hain lecture pe, theek hai? To isi happy feeling ke saath hum aaj ka session start karte hain, theek hai? To topic main already bata chuki hu, which is MCQs on indifference curve technique. So let's get started. Okay, so question number one, which you can see on your screen, is who among the following propounded ordinal utility concept? ठीक है, तो इसमें सबसे पहले we need to understand what is utility. Utility किसे कहते हैं? ठीक है, ये utility है. Utility किसे कहते हैं? देखिए, utility is satisfaction, simply. Utility किसे कहते हैं? Satisfaction को कहते हैं. सेटिस्फैक्शन को हम इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी बोलेंगे, और हम ये भी कह सकते हैं इट इज़ अ साइकोलॉजिकल फीलिंग. व्हाट इट इज? इट इज़ अ साइकोलॉजिकल फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन. इट्स अ साइकोलॉजिकल फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, वेल बींग व्हेन वी यूज अ कॉमोडिटी. जब हम कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कॉमोडिटी जब हम यूज़ करते हैं, तो उससे जो हमें सेटिस्फैक्शन डिराइव होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं? यूटिलिटी. आई होप आई एम क्लियर. ठीक है, ओके. अब क्या है ये जो यूटिलिटी है, ये ना हम दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है इकोनॉमिस्ट्स ने, या पार्ट्स भी नहीं कह सकते. दो कॉन्सेप्ट्स हैं यूटिलिटी के. बेसिकली देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिस्ट. पहला कॉन्सेप्ट है, या जो पुराना कॉन्सेप्ट है, ठीक है, दैट इज कार्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, कार्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी. और सेकेंड कॉन्सेप्ट है विच इज ऑर्डिनल. सेकेंड कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? ऑर्डिनल. सो वन वी हैव कार्डिनल, अनदर वी हैव ऑर्डिनल. ओके, अब कार्डिनल यूटिलिटी किसे कहते हैं? पहले हम कार्डिनल को डिफाइन करेंगे. देखो, कार्डिनल का मतलब हो गया नंबर्स. क्या हो गया? नंबर्स. सिंपली क्या है, ये जो क्लासिकल और न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे ना, ये जो पार्ट ए और पार्ट बी में आप ऑप्शंस देख सकते हैं, क्लासिकल और न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स ये बिलीव करते थे कि जो यूटिलिटी है, इट कैन बी कार्डिनली मेजर्ड. कार्डिनली मेजर्ड मीन्स इट कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स. यानी यूटिलिटी को हम नंबर्स एसोसिएट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई हैड अ कप ऑफ टी. मैंने टी की एक का एक कप कंज्यूम किया, तो मुझे उससे कितनी यूटिलिटी डिराइव हुई. अब ऑब्वियसली जब मैं टी का कप लूँगी, अगर मैं चाय पीती हूँ, राइट, तो मैं जब चाय पीऊँगी तो मुझे उससे कुछ ना कुछ सेटिस्फैक्शन तो मिलेगी, यानी मुझे उससे कुछ ना कुछ यूटिलिटी तो मिलेगी. तो अब ये क्लासिकल और न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स ने ये कहा कि आप इसको कार्डिनली बता सकते हो. मतलब आप कह सकते हो कि मुझे 5 यूनिट्स ऑफ सेटिस्फैक्शन मिली, या 6 यूनिट्स ऑफ सेटिस्फैक्शन मिली, या यूटिलिटी मिली आफ्टर कंज्यूमिंग अ कप ऑफ टी. तो वो जो यूनिट्स जो मैं कह रही हूँ ना, उसके लिए उन्होंने एक यूनिट दिया जिसका नाम है यूटिल. जैसे आप मतलब साइंस में आप यूनिट्स पढ़ते हो ना हर चीज़ के, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे क्या यूनिट दिया गया, उसका नाम दिया गया यूटिल. क्या दिया गया? यूटिल. ठीक है, फॉर एग्जांपल, व्हेन आई हैड अ कप ऑफ टी, तो आई हैड 5 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन और 5 यूटिल्स ऑफ यूटिलिटी आई डिराइव्ड फ्रॉम अ कप ऑफ टी. ठीक है, बट इज इट पॉसिबल? क्योंकि ये यूटिलिटी जो है वो एक साइकोलॉजिकल फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, अभी मैंने बताया, इट इज़ जस्ट अ फीलिंग, इट इज़ जस्ट अ साइकोलॉजिकल फीलिंग. सो इज इट पॉसिबल टू मेजर फीलिंग्स इन यूटिल्स? ऑफकोर्स इट इज़ नॉट पॉसिबल. ठीक है, तो ये जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट थे ना, इन्होंने क्या किया, इस कार्डिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कार्ड कर दिया. दे डिस्कार्डेड द कॉन्सेप्ट ऑफ, दे डिंट अग्री विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी. उन्होंने, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने कहा कि नहीं भाई, यूटिलिटी तो साइकोलॉजिकल फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन है, हाउ कैन वी मेजर दिस इन कार्डिनल नंबर्स? तो उन्होंने इसको मना कर दिया. उन्होंने, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट्स ने फिर थ्योरी दी, जो अभी मैंने आपको कहा था कि वी हैव कार्डिनल और ऑर्डिनल. उन्होंने कहा कि हम ऑर्डिनली डिफाइन कर सकते हैं यूटिलिटी को. कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ऑर्डिनली. उन्होंने क्या कहा? ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी क्या है, कि हम यूटिलिटी को रैंक दे सकते हैं. उन्होंने कहा कि भाई, यूटिलिटी तो बड़ी ही सब्जेक्टिव है, ये बड़ा ही सब्जेक्टिव फिनोमेना है, कि कम यूटिलिटी मिली, ज़्यादा यूटिलिटी मिली, तो हम रैंक कर सकते हैं. रैंक का मतलब वी कैन टेल कि वी डिराइव्ड मोर यूटिलिटी और लेस यूटिलिटी. उन्होंने कहा कि वी कैन डिराइव मोर यूटिलिटी और लेस यूटिलिटी. मतलब मैं कह सकती हूँ कि मुझे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिली है, मुझे कम सेटिस्फैक्शन मिली. आई कैन रैंक द यूटिलिटी. ठीक है, लेकिन उसको कार्डिनली बताना इम्पॉसिबल है. ठीक है, या फिर मैं यूटिलिटी को बता सकती हूँ कि मुझे
कंपेयर कर सकती हूँ मैं यूटिलिटी को, दो प्रोडक्ट्स के बीच में भी मैं कंपैरिजन कर सकती हूँ, मैं बता सकती हूँ पहले मुझे ज़्यादा यूटिलिटी मिली थी, अब मुझे कम यूटिलिटी मिली, राइट, दिस वे. बट वी के नॉट मेजर ऑब्वियसली इन कार्डिनल नंबर्स. तो यानी कि ये जो ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी है ये किसने दिया था, ये मॉडर्न इकोनॉमिस्ट्स ने दिया था, ठीक है, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने दिया था. और ज़्यादातर अगर हम बात करें तो कौन से इकोनॉमिस्ट हैं जो ऑर्डिनल यूटिलिटी के साथ एसोसिएटेड हैं, तो एलन और हिक्स, ठीक है, हिक्स और एलन करके दो इकोनॉमिस्ट्स हैं जो ज़्यादातर एसोसिएटेड रहते हैं, एसोसिएटेड हैं ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी के साथ. और न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट में मैं बोलूँगी अल्फ्रेड मार्शल हैं. अल्फ्रेड मार्शल वॉज अ पायनियर इन कार्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, इफ आई से. ओके, तो इसका फिलहाल आंसर जो है ऑप्शन सी है क्वेश्चन नंबर वन का. ओके, देखिए क्या है, ये जो कार्डिनल कॉन्सेप्ट है ये है तो बेशक पुराना कॉन्सेप्ट, लेकिन इट होल्ड्स लाइक गुड इम्पॉर्टेंस इन इकोनॉमिक्स, क्योंकि बड़े सारे लॉज जो हैं इकोनॉमिक्स के वो किस पे बेस्ड हैं, कार्डिनल नंबर्स पे बेस्ड हैं. मतलब हम ये अज्यूम करते हैं, जैसे अजम्पशन करते हैं ना, तो हम इकोनॉमिक्स में अज्यूम करते हैं, अजम्पशन लेते हैं ये कि आप मान लीजिए कि यूटिलिटी जो है वो कार्डिनली डिफाइन है, वो हम कार्डिनली डिफाइन कर सकते हैं, और फिर उसके बेसिस पे हम बड़े सारे लॉज जो हैं इकोनॉमिक्स में हमने सॉल्व किए हैं, हमने बड़े सारे लॉज जो इकोनॉमिक्स में बनाए हैं ऑन द बेसिस ऑफ कार्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी. ठीक है, इतना आपके लिए काफ़ी है. और देखिए ऑर्डिनल यूटिलिटी की अगर मैं बात करूँ ना, तो जो आज का जो हमारा एमसीक्यू का सेशन है इंडिफरेंस कर्व, वो किस पे बेस्ड है, वो ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी पे ही बेस्ड है. ठीक है, जो आज का हमारा टॉपिक है इंडिफरेंस कर्व का, वो किस पे बेस्ड है, ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी पे. ओके, सो इसका ऑप्शन रहा ऑप्शन नंबर सी. कमिंग अप ऑन टू क्वेश्चन नंबर टू, कार्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी सेज, अभी हमने डिस्कस किया कार्डिनल कॉन्सेप्ट के बारे में, तो कार्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी क्या कहता है, कि यूटिलिटी इज मेजर्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स. ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, बाकी जो कॉन्सेप्ट हैं सारे, कि यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस थ्रू कंपैरिजन, या फिर इट इज़ अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, या फिर इट कैन बी रैंक्ड, ये सारे किसके कॉन्सेप्ट अभी हमने किए, ऑर्डिनल के. ठीक है, ये सारे ऑर्डिनल के कॉन्सेप्ट हैं, और कार्डिनल कॉन्सेप्ट जो है वो ये कहता है कि क्वांटिटेटिव वाइज हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ओके, कमिंग अप ऑन टू क्वेश्चन नंबर थ्री. क्वेश्चन नंबर थ्री सेज, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस टू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वॉज डेवलप्ड बाय. कार्डिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट किसने डेवलप किया था, अभी मैंने ये भी शायद डिस्कस किया था आपके साथ, कि कार्डिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है ये किसने डेवलप किया था. तो देखिए कार्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये डेवलप किया था अल्फ्रेड मार्शल ने. अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल ने ही कार्डिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट बनाया है. और हमने लास्ट लेक्चर में एमसीक्यू किए थे डिमांड एनालिसिस पे, तो उसमें जो लॉ ऑफ डिमांड है ना, वो भी अल्फ्रेड मार्शल जी ही ओरिजिनेटर हैं इसके. ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड के ओरिजिनेटर कौन है, मे बी इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन, कि लॉ ऑफ डिमांड जो है वो किस, हु इज़ द ओरिजिनेटर ऑफ लॉ ऑफ द डिमांड, तो इसमें वेरियस ऑप्शंस यू कैन गेट. सो द आंसर इज अल्फ्रेड मार्शल. ओके, जो हिक्स और एलन हैं, दे आर एसोसिएटेड, दे आर मॉडर्न इकोनॉमिस्ट, दे आर एसोसिएटेड विद ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट एंड इंडिफरेंस कर्व. जेरेमी बेंथम जो हैं ये भी इकोनॉमिस्ट हैं, ये भी कार्डिनल कॉन्सेप्ट को ही फेवर करते हैं. ठीक है, ये ऑल्सो फेवर्स कार्डिनल कॉन्सेप्ट, लेकिन ओरिजिनेटर जो हैं वो अल्फ्रेड मार्शल हैं. एडम स्मिथ का तो आप सबको पता ही होगा, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इनको कहा जाता है. 1776 में इनकी बुक आई थी वेल्थ ऑफ नेशंस, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑल्दो इजी क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है एग्जाम्स में. ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर फोर पे आ जाएंगे. विच अमंग द फॉलोइंग शोज वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स दैट गिव्स सेम अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर. देखिए ध्यान से समझिएगा, ध्यान से प्लीज इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से देखिएगा. ठीक है, क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि विच अमंग द फॉलोइंग शोज वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स दैट गिव्स सेम अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर. ओके, पहले तो इसका आंसर है ए, बता देती हूँ आपको, इंडिफरेंस कर्व इसका आंसर है. ठीक है, अब ये इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, ये जो स्टेटमेंट है ना ऊपर जो लिखी हुई, इसको हम समझते हैं. ठीक है, देखिए हम अपनी डेली लाइफ में बड़े सारे प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं. ठीक है, तो मैं मानती हूँ कि एक प्रोडक्ट है एक्स, एक प्रोडक्ट है वाई. हम बड़े सारे प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में डेली. ठीक है, इंडिफरेंस कर्व ये कहता है कि आप कोई भी दो प्रोडक्ट्स ले लो, कितने प्रोडक्ट्स ले लो, दो गुड्स के बीच में डिफरेंस कर्व बनती है. पहले तो ये याद रखना आप, दो गुड्स के बीच में डिफरेंस कर्व बनती है.
और ये जो दो गुड्स हैं ये आपस में क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। ये आपस में क्या है, सब्स्टिट्यूट्स हैं। मतलब मैं एक प्रोडक्ट को यूज़ करूँ या तो मैं दूसरे प्रोडक्ट को यूज़ करूँ, तो दोनों प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट हैं। जब दो प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट होंगे तो आपको नहीं लगता हम इनडिफरेंट होंगे, वी विल बी इनडिफरेंट टूवर्ड्स इट। इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है कि हमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता या वी डोंट केयर, है ना, हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि हम एक प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं दूसरे प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, वी आर इनडिफरेंट टूवर्ड्स इट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको चाय और कॉफ़ी की एग्जाम्पल दी थी लास्ट एमसीक्यू सेशन में, टी एंड कॉफ़ी बोथ आर सब्स्टिट्यूट्स फॉर ईच अदर। सब्स्टिट्यूट मीन्स विच कैन रीप्लेस ईच अदर, दोज गुड्स विच कैन रीप्लेस ईच अदर, ठीक है। तो टी की जगह टी नहीं है तो कॉफ़ी, चलो जी कॉफ़ी पी लूँगी मैं, चाय की ज़रूरत है तो चाय नहीं है तो मैं कॉफ़ी पी लूँगी, ठीक है। बोथ आर सब्स्टिट्यूट्स फॉर ईच अदर। एंड एज अ कंज्यूमर, कंज्यूमर्स हम हैं और हम इनडिफरेंट हैं टूवर्ड्स इट। मतलब ठीक है चाय नहीं है तो कॉफ़ी मिल गई तो मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, आई डोंट केयर, ठीक है। तो आई एम इनडिफरेंट टूवर्ड्स टी और कॉफ़ी, क्लियर। दो प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में। अब क्या है, इन दोनों प्रोडक्ट्स के हम वेरियस कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, चलिए एक्स और वाई की जगह मैं टी और कॉफ़ी लेके ही चलती हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। एक टी है और एक कॉफ़ी है, ठीक है। मैंने क्या किया, सपोज़ मैं 6 कप रोज़ के पीती हूँ टी और कॉफ़ी के, टी के 6 कप पीती हूँ, तो एक दिन मैंने क्या किया, 5 कप ऑफ टी पिए तो 1 कप ऑफ कॉफ़ी पी लिया, ठीक है, ओके फाइन, मेरे को 6 कप चाहिए थे, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट डे मैंने क्या किया कि मैंने 4 कप टी के ले लिए, 2 कप कॉफ़ी के ले लिए। फिर नेक्स्ट डे मैंने क्या किया, 3 कप टी के ले लिए, 3 कप ही कॉफ़ी के ले लिए। तो यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, तो टी और कॉफ़ी में राइट साइड पे स्पेस नहीं है, मैं लेफ्ट साइड पे लिख रही हूँ, ठीक है। टी और कॉफ़ी के जो मैंने कॉम्बिनेशंस लिए और यहाँ पे मैं लिखती हूँ यूटिलिटी, मुझे कितनी यूटिलिटी मिली, ठीक है। तो जो टी और कॉफ़ी के मैंने अलग अलग कॉम्बिनेशंस जो मैंने लिए उसमें जो मुझे यूटिलिटी मिली ना, वो सेम मिली, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन आई डिराइव्ड, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इन दिस कॉम्बिनेशन आई डिराइव्ड, अगेन सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन थ्रू दिस कॉम्बिनेशन ऑल्सो, एंड अगेन आई डिराइव्ड सेम सेटिस्फैक्शन और सेम यूटिलिटी by consuming these combinations of tea and coffee. तो मुझे जो combination मिल रहे हैं वो same मिल रहे हैं, ठीक है। तो यही कहता है indifference curve. Indifference curve क्या कहता है, ध्यान से सुनना, indifference curve क्या कहता है, it is a locus of points. Indifference curve is a locus of points जिसमें मुझे अलग अलग combinations, जब मैं दो goods की अलग अलग combinations लेती हूँ, they give me same level of satisfaction फॉर ईच कॉम्बिनेशन, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, ये मैं एक्स एक्सिस पे एक प्रोडक्ट रखूँगी, इसमें दो प्रोडक्ट्स के बीच में, दो गुड्स के बीच में हमारा ग्राफ बनेगा, एक्स रखूँगी इसमें, यहाँ पे वाई रखूँगी। सपोज टी और कॉफ़ी में मैं कॉम्बिनेशन बना रही हूँ। अब थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने के लिए देखो, सपोज यहाँ पे मैं 5 कप ऑफ एक्स में मैंने टी लिया था शायद, तो चलो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, ठीक है, एक्स एक्सिस पे आप मान लीजिए कॉफ़ी है, वाई एक्सिस पे आप मान लीजिए टी है, ठीक है। तो अगर मैंने 5 कप ऑफ टी लिए तो मैं 1 कप ऑफ कॉफ़ी ले लेती हूँ, अगर मैंने 5 कप ऑफ, वहाँ पे ये किया था ना, 4 कप ऑफ टी लिए, दिस इज़ जस्ट टू कोट एन एग्जांपल, 2 कप ऑफ कॉफ़ी ले लेती हूँ, तो कॉम्बिनेशन क्या बना, 5 और 1 में कॉम्बिनेशन बन रहा है, 4 और 2 में कॉम्बिनेशन बन रहा है, 3 और 3 में कॉम्बिनेशन बन रहा है, यही बनाया था ना हमने। तो ये जो इस तरीके की कर्व मिलेगी, इस तरीके की कर्व डिराइव होगी जब हम इन कॉम्बिनेशंस को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो जब हम इन कॉम्बिनेशंस को ज्वाइन करेंगे तो ये जो कर्व है ना, फाइनल जो कर्व हमें इंडिफरेंस कर्व की मिलती है वो ऐसी होती है, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व को हम शॉर्ट फॉर्म में आईसी लिखते हैं, आगे हम आईसी ही यूज करेंगे। ये ओरिजिन है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे, आपको बड़े अलग अलग, ये जो मैं बना रही हूँ ना, ये बेसिकली पॉइंट्स हैं, पॉइंट इतना आपको दिखेगा नहीं यहाँ पे, ये पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट सपोज ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट इंडिकेट करता है कि यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स के, दो गुड्स जो आपस में सब्स्टिट्यूट हैं, उनका कॉम्बिनेशन बन रहा है। फिर ये अलग कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये वाला अलग कॉम्बिनेशन बन रहा है, और ये सारे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मुझे दे रहे हैं, दे आर ऑल गिविंग अ कंज्यूमर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। इसे कहते हैं आईसी यानी कि इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। तो ये बना, फिर इस पूरे को बोलते हैं इंडिफरेंस प्लेन, और इस पूरे इंडिफरेंस प्लेन में देयर विल बी सो मेनी कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, बड़े सारे पॉइंट्स होंगे, और हर एक पॉइंट जो है ये क्या डिफाइन कर रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। और जब हम इन सभी कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को मिला के
एक कर्व बनाते हैं ना, तो इस कर्व पे, इस कर्व के हर पॉइंट पे सेम लेवल ऑफ, यानी कि इस कर्व, खाली इस कर्व पे जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो सेम होगा, इस कर्व पे जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो सेम होगा, इस कर्व पे जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो सेम होगा। अब मान लीजिए ये आई सी वन है, ये आई सी टू है, ये आई सी थ्री है। अब एक ही जो आई सी वन बनाया मैंने, ये जो आई सी वन है, ये आई सी वन है, इस पूरे कर्व पे, सिंगल कर्व पे जो सेटिस्फेक्शन है वो सेम होगी, लेकिन जो आई सी टू पे जो सेटिस्फेक्शन है वो डिफरेंट होगी, आई सी वन से डिफरेंट होगी, ठीक है। फिर आई सी थ्री की जो सेटिस्फेक्शन है वो आई सी टू और आई सी वन से डिफरेंट होगी। और ये चलता कैसे है ग्राफ, हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर विल बी द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। क्या मैंने बोला, अपर द इंडिफरेंस कर्व अपर और हायर विल बी द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, यानी कि जो आई सी थ्री है वो बड़ा होगा, फिर आई सी टू जो है वो बड़ा होगा, फिर आई सी वन जो है वो बड़ा होगा, ठीक है। आई सी थ्री जो है वो सबसे बड़ा होगा, फिर आई सी टू बड़ा होगा, फिर आई सी वन जो है वो सबसे छोटा होगा। इट इज़ लाइक दैट, मतलब सबसे कम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो मुझे आई सी वन कर्व से डिराइव होगी। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इंडिफरेंस कर्व की, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व्स जो हैं ये हमेशा पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, याद रखना। दे आर ऑलवेज पैरेलल टू वन अनदर, दे नेवर इंटरसेक्ट और दे कैन नेवर बी टेंजेंट टू वन अनदर। टेंजेंट मीन्स विच कैन टच एनीवेयर, एक कर्व जब दूसरे कर्व को कहीं पे टच करते हैं तो वो टेंजेंट हो जाती है, वैसा कभी नहीं होता। दे आर ऑलवेज पैरेलल। क्यों नहीं टच कर सकती एक दूसरे को, क्योंकि अगर वो कहीं पे, अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि जो आई सी थ्री है उसकी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आई सी टू से अलग होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर कहीं पे ये टच कर जाए, इसका मतलब कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ पे वो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम है, बट ऐसा तो नहीं है, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इज डिफरेंट। तो ये हमेशा पैरेलल होती हैं, दे नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर, एंड मोर इंपॉर्टेंटली दे आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। दिख रही है आपको शेप कॉन्वेक्स है टू द ओरिजिन, है ना। दिस इज, अगर शेप ऐसे होती तो कॉन्केव हो जाती, बट शेप ऐसे है तो ये कॉन्वेक्स है ना। व्हाई इट इज़ कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, एक तो ड्यू टू शेप विच यू कैन ऑलरेडी सी, एक इसमें टेक्निकल कॉन्सेप्ट आता है MRS का। किसका कॉन्सेप्ट आता है, MRS का, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ये आगे हमने क्वेश्चंस करने हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। नाउ व्हाट इज दिस मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, चलिए मैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में समझाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि इसका जो ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, इंडिफरेंस कर्व। व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व, इट शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट गिव सेम अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, यानी सेम यूटिलिटी टू द कंज्यूमर। ओके, कमिंग अप ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ आईसी एनालिसिस। ओके, देखिए जब हम इंडिफरेंस कर्व जब हमने पढ़ा, आईसी मतलब इंडिफरेंस कर्व, तो इसकी बड़ी सारी कुछ अजम्पशंस हैं आईसी कर्व की, देर आर सो मेनी अजम्पशंस। हम कुछ अजम्पशंस लेते हैं और फिर आईसी कर्व को डिफाइन करते हैं, इंडिफरेंस कर्व को डिफाइन करते हैं। तो इनमें से कौन सा अजम्पशन नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना होता है, नहीं है अजम्पशन। अब पहला ऑप्शन है मनी इनकम ऑफ कंज्यूमर डज नॉट चेंज, यानी कि इस लाइन का मतलब है कि जो इनकम है कंज्यूमर की वो कांस्टेंट है। तो यस, दिस इज अजम्पशन फॉर आईसी कर्व। हाँ, हम ये मान के चलते हैं कि जो इनकम है जो कंज्यूमर की वो सेम है, और वो इनकम वो दो गुड्स में डिवाइड करेगा, वही दो गुड्स जो आपस में सब्सटीट्यूट हैं जिनका हमने कॉम्बिनेशन बनाना है। ही हैज़ अ फिक्स्ड इनकम एंड ही विल स्पेंड दैट इनकम ऑन टू गुड्स, ठीक है, ऑन टू सब्सटीट्यूट गुड्स जिनका हमने कॉम्बिनेशन बनाना है। ऑप्शन बी सेज टू गुड्स आर सब्सटीट्यूट्स, ऑफ कोर्स दिस इज एन अजम्पशन, ये भी हमने पढ़ा। कंज्यूमर इज रैशनल, बिल्कुल जी कंज्यूमर रैशनल है, कार्डिनल नंबर नहीं है इसका अजम्पशन। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो इंडिफरेंस कर्व है दिस इज बेस्ड अपॉन ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट। ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट किसने दिया था, हिक्स और एलन इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने दिया था। तो ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, कार्डिनल नंबर पे बेस्ड नहीं है इंडिफरेंस कर्व टेक्निक, ठीक है। देखो एक ये जो सी ऑप्शन है ना, कंज्यूमर इज रैशनल, हम इकोनॉमिक्स में ये मानते ही हैं कंज्यूमर रैशनल ही है, कंज्यूमर इज रैशनल, ये हम पूरी इकोनॉमिक्स में मान के चलते हैं। रैशनल का मतलब है ही इज़ अ समझदार कंज्यूमर, इमोशनल कंज्यूमर, इमोशनल बायर नहीं है वो, रैशनल है वो, पूरा पैसा वसूल करता है। ही ट्राइज टू मैक्सिमाइज हिज लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑलवेज, ठीक है। ओके, कमिंग अप ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6, अ कंज्यूमर रिचेज इक्विलिब्रियम व्हेन, कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम पे कब पहुंचता है। अभी मैंने आपको बताया कि जो कंज्यूमर है वो रैशनल है इन नेचर। रैशनल का मतलब है कि हम हमेशा ट्राई करते हैं कि जो हमारी यूटिलिटी है ना किसी भी प्रोडक्ट की वो मैक्सिमम हो जाए, मतलब हम प्रोडक्ट इतने अच्छे से यूज़ करेंगे, उसकी यूटिलिटी जो है वो मैक्सिमम लेवल पे ले जाएंगे, जितना हो सकता है उतना हम पैसा वसूल करने की कोशिश करेंगे अपने प्रोडक्ट से। यानी जब हमारी प्राइस जो है वो इक्वल हो जाती है, इट इज़ अ लेवल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, जब हमारा प्राइस जो है ना वो इक्वल हो जाता है किसके,
जो हम सेटिस्फैक्शन डिराइव करते हैं फ्रॉम द लास्ट यूनिट, सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम द लास्ट यूनिट ऑफ द कॉमोडिटी कंज्यूम्ड, और जो ये लास्ट यूनिट ऑफ कॉमोडिटी होती है इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी. व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? एम यू स्टैंड्स फॉर मार्जिनल यूटिलिटी. मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है, मार्जिनल का मतलब होता है लास्ट, ठीक है. मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है द यूटिलिटी विच वी डिराइव फ्रॉम द लास्ट यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, फ्रॉम द लास्ट यूनिट ऑफ गुड कंज्यूम्ड. तो यानी कि इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट, ऑप्शन बी इज अगेन इनकरेक्ट, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू द प्राइस, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू द प्राइस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन नंबर 7. हिक्स एंड एलन, ये दोनों अलग अलग नाम हैं, ठीक है, वन सेकेंड, ये दोनों अलग अलग हैं, सेम नहीं हैं, तो एंड बीच में आप लगा दीजिए, हिक्स और एलन, ठीक है. जे आर हिक्स इनका पूरा नाम है और आर जी डी एलन इनका पूरा नाम है. तो ये जे आर हिक्स और एलन जो हैं, इनकी जो इंडिफरेंस थ्योरी है ये किस पे बेस्ड है? क्या ये वीक ऑर्डरिंग पे बेस्ड है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग पे बेस्ड है, कॉन्स्टेंट ऑर्डरिंग पे बेस्ड है, या डी मल्टीपल ऑर्डरिंग पे बेस्ड है? सो इट इज़ बेस्ड अपॉन वीक ऑर्डरिंग, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है. नाउ ये वीक ऑर्डरिंग क्या होती है? देखो, वीक ऑर्डरिंग किसे कहते हैं, ये एक अलग एक थ्योरी है इकोनॉमिक्स में, आपके सिलेबस में नहीं है, जिसमें हम ये वीक ऑर्डरिंग और स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग डिफाइन करते हैं, बट सिंस इंडिफरेंस कर्व के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो वीक ऑर्डरिंग या स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग का, तो मैं आपको बता देती हूँ. देखिए, वीक ऑर्डरिंग का मतलब होता है कि व्हेन अ कंज्यूमर इज़ इंडिफरेंट इन चूजिंग द प्रोडक्ट्स. सपोज आपके पास बड़े सारे प्रोडक्ट्स हैं और सारे प्रोडक्ट्स जो हैं ये आपस में सब्स्टिट्यूट हैं, ये आपस में सब्स्टिट्यूट्स हैं, ठीक है. तो आप क्या करते हो, रैंडमली कोई भी प्रोडक्ट उठा लेते हो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो इसको वीक ऑर्डरिंग कहते हैं. मतलब वीक ऑर्डर है, मतलब आप कोई भी प्रोडक्ट उठा लो तो कोई प्रॉपर ऑर्डर नहीं है, मतलब कोई स्ट्रांग ऑर्डर नहीं है. कोई भी ऑर्डर आप रैंडम ऑर्डर फॉलो कर रहे हो, आप कोई भी प्रोडक्ट पिक कर सकते हो इसमें से, क्योंकि सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं, सारे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन आपको देंगे, तो यू कैन पिक एनी ऑफ दी कॉमोडिटी. इस इन केस ऑफ दीज कॉमोडिटीज कोई भी कॉमोडिटी इन्फीरियर या फिर कोई भी कॉमोडिटी सुपीरियर नहीं है, ठीक है. तो ये होती है वीक ऑर्डरिंग. इसके ऑपोजिट होती है स्ट्रांग ऑर्डरिंग. स्ट्रांग ऑर्डरिंग होती है जब आप स्ट्रांगली, मतलब आप किसी एक कॉमोडिटी को पिक करते हो बाकी कॉमोडिटीज से, तो जो कॉमोडिटीज आप पिक करते हो ना वो कॉमोडिटी होगी सुपीरियर, और जो कॉमोडिटीज रह जाती हैं जिनको आप नहीं पिक करते या जिनको आप नहीं चूज करते, वो होती हैं इन्फीरियर, वो होती हैं इन्फीरियर. समझ आ गया? इसको कहते हैं स्ट्रांग ऑर्डरिंग. तो या जो ऑब्वियसली जो इन्फ्रेंस थ्योरी है वो वीक ऑर्डरिंग है ना, मतलब आप कोई भी दो प्रोडक्ट खरीद मतलब कंज्यूम कर रहे हो आपस में जो सब्सटीट्यूट्स हैं, एंड यू आर इनडिफरेंट टूवर्ड्स इट, सो दैट इज व्हाई इट इज वीक ऑर्डरिंग. सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व. इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व की, कौन सी प्रॉपर्टी है, ठीक है. तो आईसी यानी इंडिफरेंस कर्व कैन नीदर इंटरसेक्ट नॉर कैन बी टेंजेंट टू वन अनदर. बिल्कुल ये प्रॉपर्टी है, मैंने आपको बताया था. बी ऑप्शन सेज अपर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. बिल्कुल ये भी प्रॉपर्टी है. एंड आईसी और इंडिफरेंस कर्व डज नॉट टच एक्स और वाई एक्सिस, ये भी प्रॉपर्टी है, नहीं टच करती एक्स या वाई एक्सिस को, ठीक है. तो यानी कि ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर इंडिफरेंस कर्व, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज, क्या है स्लोप इंडिफरेंस कर्व की, क्या वो पॉजिटिव है, क्या वो नेगेटिव है, जीरो है, नन ऑफ दीज है. तो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज नेगेटिव, इट इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव है. अभी मैंने आपको बताया था इस तरीके की इंडिफरेंस कर्व है. देखिए, आपको इस कर्व से कुछ याद आ रहा होगा, ये जो कर्व है अगर हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करें तो वो भी नेगेटिव ही होती है टुवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है, वो भी नेगेटिव होती है. ओके, तो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व भी नेगेटिव है, ठीक है, और कॉन्वेक्स है टू द ओरिजिन. ओके, तो ये आपने याद रखना है. नेगेटिव क्यों है? देखिए, क्योंकि जब हम दो गुड्स को आपस में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, मैंने आपको क्या कहा था कि दो गुड्स को हम आपस में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो इसको आपको थोड़ा समझाना पड़ेगा. दो गुड्स को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बोला टी और कॉफ़ी को हम आपस में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो जो जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करते जाते हैं ना टी को कॉफ़ी से, तो वो जो रेट है वो कम होती जाती है सब्स्टिट्यूशन की,
कब तक मैं टी को कॉफ़ी से सब्सटीट्यूट करूँगी, मतलब जो अमाउंट जो है टी का जो मैं सेक्रीफाइस कर रही हूँ फॉर कॉफ़ी, दैट गोज़ ऑन डिमिनिशिंग. ठीक है, फर्दर मैं आगे इसको और एक्सप्लेन करूँगी. तो दैट्स वाई जो हमारा कर्व बनती है वो नेगेटिव बनती है, स्लोप ऑफ आई सी इज़ नेगेटिव. स्लोप ऑफ आई सी के लिए देखो एक और टर्म है, यहीं पे आपको समझा भी देती हूँ. स्लोप ऑफ आई सी को, इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आर रिलेटेड विद वन अनदर. ठीक है, स्लोप ऑफ आई सी को हम कई बारी बोलते हैं स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. व्हाट इज स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व? इट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. नाउ व्हाट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन? क्वेश्चन नंबर 10 में मैं आपको समझाती हूँ. फिलहाल आप याद रखिए कि बी इसका आंसर है, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज नेगेटिव. ओके, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पे, उससे आपको क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा और समझ आ जाएगा. ठीक है, ओके. क्वेश्चन नंबर 10 सेज इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज कॉन्वेक्स, कॉनकेव, एल शेप्ड या स्ट्रेट लाइन. तो पहले तो इसका आंसर कॉन्वेक्स है. ठीक है, कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन है, कॉनकेव नहीं है, एल शेप्ड भी नहीं है. एल शेप्ड इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इंडिफरेंस कर्व, जब दो सब्स्टिट्यूट गुड्स में बनता है. ठीक है, इंडिफरेंस कर्व का एक एक्सेप्शन है कि क्या जब इंडिफरेंस कर्व में हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ले आएंगे, बनता तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में है लेकिन एक्सेप्शन है अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आ जाते हैं तब इंडिफरेंस कर्व कैसा होगा. तो जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आ जाते हैं ना तब इंडिफरेंस कर्व एल शेप्ड होगा, याद रखना. ठीक है, स्ट्रेट लाइन ये चलो आई कम टू द नेक्स्ट. ठीक है, ये बताती हूँ आगे. ओके, देखिए इंडिफरेंस कर्व की जब हम बात करें तो इसका कॉन्वेक्स बनता है. ठीक है, स्लोप इसकी कॉन्वेक्स है, इट इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. नाउ व्हाई इट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन? दिस इज ड्यू टू MRS. नाउ व्हाट इज दिस MRS? MRS इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. व्हाट इज, अगेन बता देती हूँ, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन किसे कहते हैं? देखिए जो रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, जब हम टी को, एग्जाम्पल टी और कॉफी की ले रही हूँ, स्टार्टिंग से यही लेती हूँ, तो जब हम टी और कॉफी को एक दूसरे से सब्सटीट्यूट करेंगे ना, तो टी को मैं कॉफ़ी से, मैंने आपको बोला था 5 कप ऑफ कॉफ़ी टी ले रही हूँ, तो 1 कप ऑफ कॉफ़ी ले रही हूँ, कंज्यूम कर रही हूँ. ठीक है, ये जो सब्सटीट्यूशन है जो मैं टी को कर रही हूँ कॉफ़ी से, ये जो कॉफ़ी जो है सब्सटीट्यूट कर रहा है टी को, ये किसी लेवल तक ही जाएगी. ये एक बेसिक पॉस्टुलेट है ऑर्डिनल थेरी का, एक बेसिक पॉस्टुलेट है कि जो MRS है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है, इट गोज़ ऑन डिक्रीजिंग, इट गोज़ ऑन डिक्रीजिंग. नाउ व्हेन MRS गोज़ ऑन डिक्रीजिंग, जब मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो जो शेप है हमारी इंडिफरेंस कर्व की, जो मैंने आपको बताया था 5 और 1 में, हम 5 और 1 में कॉम्बिनेशन लेंगे, फिर 4 और 2 का कॉम्बिनेशन लेंगे, तो वो कॉनकेव की ही शेप बन रही है, सॉरी कॉन्वेक्स की ही शेप बन रही है, नॉट कॉनकेव, कॉन्वेक्स की ही शेप बन रही है. सो इट इज़ ऑब्वियसली कॉन्वेक्स. ड्यू टू वाई इट इज़ कॉन्वेक्स, अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है, आपको क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकते हैं ना, वाई आई सी इज़ कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. वाई आई सी इज़ कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. MRS हो गया मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, साथ में डी लगा लो, इट मीन्स डिमिनिशिंग. डिमिनिशिंग का मतलब है डिक्रीज होना, कम होना. तो हमेशा ये एक पॉस्टुलेट है ऑर्डिनल थेरी का कि जो MRS जो है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन जो है, वो हमेशा डिमिनिश होती जाती है. यानी कि आप जितना सब्सटीट्यूट एक गुड को दूसरे गुड से जब आप सब्सटीट्यूट कर रहे हो, तो वो जो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है ना, वो कम होता जाता है. आप कितना ही सब्सटीट्यूट करोगे, कितना सेक्रीफाइस करोगे एक गुड को दूसरे गुड के लिए, तो वो जो सेक्रीफाइस है, जब जो हम एक गुड को दूसरे गुड के लिए कर रहे हैं, वो जो सेक्रीफाइस है वो कम होता जाता है. वो जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है, लेवल ऑफ सेक्रीफाइस जो है वो कम होता जाता है. मैं कितनी ही टी सब्सटीट्यूट करूँगी कॉफ़ी के लिए, वो जो जितनी मैं टी को सब्सटीट्यूट कर रही हूँ कॉफ़ी के लिए, वो जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है, लेवल ऑफ जो मेरा सेक्रीफाइस है, वो कम होता जाएगा. उसको हम कहते हैं डिमिनिशिंग MRS. ठीक है, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. ओके, क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो कहता है द लाइन विच शोज ऑल डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स दैट अ कंज्यूमर कैन बाय by spending all his income given the money income and price is. देखिए एक हमने पढ़ा अभी इंडिफरेंस कर्व पढ़ा, इंडिफरेंस कर्व के बीच में ही एक छोटा सा टॉपिक आ जाता है बजट लाइन का. बजट लाइन का ये इसका ऑप्शन है ए आंसर, बजट लाइन. अब बजट लाइन क्या होती है? बजट लाइन में भी हम दो गुड्स का ही कॉम्बिनेशन लेते हैं. देखिए बजट लाइन जो है ये एक छोटा सा टॉपिक है, इंडिफरेंस कर्व के अंदर ही हम पढ़ते हैं इसको, तो बजट लाइन पे भी क्वेश्चन जो है एग्जामिनर पूछ सकता है. ठीक है, बजट लाइन किसे कहते हैं? क्योंकि हम कॉम्बिनेशन ऑफ दो गुड्स की बात कर रहे हैं, इसमें भी कॉम्बिनेशन ऑफ दो गुड्स ही होते हैं. अगर यहाँ पे भी हम एक्स एक्सिस पे एक गुड रखते हैं, वाई एक्सिस पे एक गुड रखते हैं, सिंपल बात है, बजट सुन के आपके दिमाग में क्या आ जाता है कि एक बजट, कि हमारे पास कितना बजट है.
उस बजट से हम ऊपर नहीं खर्च सकते, वी के नॉट स्पेंड मोर देन द बजट, जो हमारा बजट है उससे ज़्यादा नहीं हम जा सकते, उससे कम ही हम जा सकते हैं या बजट तक हम जा सकते हैं। तो बस यही है जी, दो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स के बीच में जो हम बजट बनाते हैं, हमारी फिक्स्ड इनकम है, जो दो गुड्स हमने ली उनके बीच में जो हम कितना कॉम्बिनेशन टू गुड्स के, जो दो गुड्स हैं उनके वेरियस कॉम्बिनेशन हम कैसे खरीद सकते हैं, हमारे पास फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 500 रुपया है सेंड करने के लिए, स्पेंड करने के लिए आई हैव 500 रुपीज़, ठीक है, और मेरे पास दो गुड्स हैं, मुझे दो ही गुड्स खरीदनी है, सपोज मुझे एप्पल्स और ऑरेंजेस खरीदने हैं, ठीक है, तो मैं इन एप्पल और ऑरेंजेस की कैसे कॉम्बिनेशन बनाऊंगी कि मैं 500 रुपीज़ स्पेंड करूँ। मान लीजिए मैं एप्पल पे 300 रुपीज़ स्पेंड करती हूँ, ऑरेंजेस पे 200 रुपीज़ स्पेंड करती हूँ, तो मेरे बन गए ना 500, इस 500 से ऊपर नहीं जा सकती मैं, इससे ऊपर मैं एप्पल और ऑरेंजेस नहीं खरीद सकती, मुझे इस 500 के अंदर अंदर ही एप्पल और ऑरेंजेस खरीदने हैं, ठीक है, उसको कहते हैं बजट लाइन, कि भाई इस लाइन के ऊपर मैं नहीं जा सकती। देखिए बजट लाइन को हम प्राइस लाइन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, प्राइस लाइन, और जो क्या कहते हैं, प्राइस लाइन भी कहते हैं, तो आप बजट लाइन को कहीं पे प्राइस लाइन भी देखेंगे तो दैट इज आल्सो करेक्ट, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, बजट लाइन। ये जो एरिया होता है ना बजट लाइन के अंदर वाला एरिया, लेफ्ट साइड वाला एरिया जिसके अंदर मैं सामान खरीद सकती हूँ, उसको कहते हैं फिजिबल एरिया, फिजिबल है ना, फिजिबल है मेरे लिए, मैं खरीद सकती हूँ, और जो ये ऊपर वाला एरिया है इसको कहते हैं नॉन फिजिबल, नॉन फिजिबल एरिया, ये फिजिबल एरिया, ये नॉन फिजिबल एरिया, ये जो आपके बीच में है दिस इज बजट लाइन और प्राइस लाइन। जो इसकी स्लोप है आपको देख रहे हो ये ऐसे ही बनती है, ये कांस्टेंट है, स्लोप जो है बजट लाइन की, स्लोप पे क्वेश्चन आ सकता है बजट लाइन की। बजट लाइन किसे कहते हैं, दो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स हैं, ठीक है, जिस पे मैं इक्वल अमाउंट स्पेंड करती हूँ उस अमाउंट के मैं क्रॉस नहीं कर सकती, और इट इज़ कॉन्स्टेंट, इसकी जो स्लोप है वो कॉन्स्टेंट होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, कॉन्स्टेंट होती है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ बजट लाइन इज, अब बजट लाइन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग, येस इट इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग, स्ट्रेट लाइन, येस इट इज़ स्ट्रेट लाइन, कॉन्स्टेंट, येस इट इज़ कॉन्स्टेंट, सो ऑल ऑफ दीज। ये मैंने ऑल ऑफ दीज वाले क्वेश्चन इसलिए लिए हैं ताकि आपके दिमाग में ये बजट लाइन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बैठ जाएँ, या फिर जब हमने पहले जैसे किया था इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़ जो हैं या assumptions जो हैं आपके दिमाग में बैठ जाएँ, इसलिए मैंने ऑल ऑफ दीज वाले ऑप्शंस लिए हुए हैं। तो बजट डाउनवर्ड स्लोपिंग है, स्ट्रेट लाइन है, कॉन्स्टेंट है, दिस यू नीड टू रिमेंबर, और याद रखना ये किसको सिमिलर हैं, ये जो हमने प्रीवियस MCQ सेशन में लॉ ऑफ डिमांड किया था, ये सारी प्रॉपर्टीज़ स्लोप ऑफ डिमांड कर्व को के भी सिमिलर हैं, दे आर ऑल सिमिलर, ठीक है, ओके, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, स्ट्रेट लाइन है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है, ओके। नाउ स्लोप ऑफ बजट लाइन इंडिकेट्स, देखिए दो गुड्स में बनती है बजट लाइन एक्स और वाई में, और ये दोनों क्या हैं, ये प्राइस हैं गुड्स की, ये क्या है, ये प्राइस इंडिकेट करती है ना गुड्स की, प्राइस लाइन है, बजट लाइन है, प्राइस इंडिकेट करती हैं, तो स्लोप ऑफ बजट लाइन इज प्राइस रेशो, याद रखना। कॉस्ट की हमने कहीं बात नहीं की, इनकम की, यस इनकम जो है यहाँ फिक्स्ड रहती है तो इनकम रेशो नहीं आएगी, तो यहाँ पे क्या है, दिस इज द प्राइस रेशो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बजट लाइन पे ये क्वेश्चन बनते हैं, बजट लाइन किसे कहते हैं, उसकी स्लोप क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है, तो वी हैव स्लोप ऑफ बजट लाइन इज ऑलवेज इट इज प्राइस रेशो, प्राइस रेशो है स्लोप, ठीक है, ये आपने याद रखना, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 सेज व्हेन टू गुड्स ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स ऑफ वन अनदर, ये ऑफ नहीं आएगा यहाँ पे, आर आएगा, यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है, व्हेन टू गुड्स आर, ठीक है, व्हेन टू गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स ऑफ वन अनदर, देयर MRS इज, जब दो गुड्स आपस में परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हों तो उनका MRS कैसा होगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन जो है ये यू कैन से दिस इज एक्सेप्शन टू इंडिफरेंस कर्व टेक्निक, दिस इज एन एक्सेप्शन टू इंडिफरेंस कर्व टेक्निक, ओके। जब दो गुड्स आपस में परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होंगे, देखो हमने जब इंडिफरेंस कर्व किया तो हमने कहा जो दोनों गुड्स हैं वो आपस में सब्स्टिट्यूट्स हैं, हमने परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स की बात नहीं की थी, वो दोनों गुड्स आपस में सब्स्टिट्यूट्स हैं। जब दो गुड्स आपस में खाली सब्स्टिट्यूट्स होते हैं उस टाइम पे जो MRS है वो डिक्रीज करती है, व्हेन दे आर ओनली सब्स्टिट्यूट्स द MRS गोज ऑन डिक्रीजिंग, डिमिनिश करती है MRS। लेकिन जब दो गुड्स आपस में परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होंगे उस केस में जो MRS है वो कांस्टेंट होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। देखिए
मैंने आपको बोला कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो ऐसे बनती है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होती है। अब अगर मैं इंडिफरेंस कर्व को स्ट्रेट लाइन बना दूं तो क्या ये इंडिफरेंस कर्व है? नहीं है, ये इंडिफरेंस कर्व की एक्सेप्शन है, क्योंकि भाई हमने तो पढ़ा इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होती है, तो स्ट्रेट लाइन कहाँ से आ गई? तो जब ये स्ट्रेट लाइन है यानी कि ये एक्सेप्शन है, लिमिटेशन है इंडिफरेंस कर्व की। सो वी हैव, जैसे हमने प्रीवियस सेशन में लॉ ऑफ डिमांड की कुछ एक्सेप्शंस की थी, लिमिटेशंस की थी, वैसे ही एक्सेप्शंस हैं इंडिफरेंस कर्व की भी। तो पहली एक्सेप्शन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं इसकी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सब्स्टिट्यूट्स एंड परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। सब्स्टिट्यूट्स आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, मतलब आप एक को दूसरे, जैसे टी और कॉफी को मैंने आपस में सब्स्टिट्यूट कर दिया। लेकिन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का मतलब हो गया, एग्जाम्पल से समझा देती हूँ, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का मतलब है बिल्कुल सिमिलर। जैसे कि मतलब आप लगा लीजिए सेम प्रोडक्ट बट विद डिफरेंट पैकेजिंग और डिफरेंट ब्रांडिंग, अलग अलग ब्रांड्स के जो सेम प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। फॉर एग्जाम्पल बटर की अगर मैं बात करूँ तो बटर, वी हैव डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ बटर्स इन द मार्केट, ठीक है, जैसे एक अमूल बटर है, एक न्यूट्रीला करके बटर आता है, ठीक है, तो दे आर डिफरेंट ब्रांड्स हैं लेकिन प्रोडक्ट तो एक ही है ना, ठीक है, या तो उनको हम क्या बोलेंगे, दे आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स फॉर वन अनदर। ओके, तो देखिए जब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं तो उसमें तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिमिनिश नहीं होगा ना, इन दैट केस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन विल नॉट डिमिनिश। हमने क्या कहा कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो डिमिनिश करता है सब्स्टिट्यूट के केस में, कि भाई मैं कितनी ही टी जो है वो, कितनी ही जो टी है वो सब्स्टिट्यूट करती रहूँगी कॉफ़ी के लिए, कब तक करती रहूँगी, लेकिन अगर मैं खाली टी ही कंज्यूम कर रही हूँ या उसका परफेक्ट सब्स्टिट्यूट अलग ब्रांड की टी ले रही हूँ लेकिन है तो टी ही ना, तो उस केस में जो MRS है वो डिमिनिश नहीं करती, वो कांस्टेंट रहता है। इन दैट केस MRS इज कांस्टेंट, MRS इज कांस्टेंट, याद रखना, ठीक है, तो ये कांस्टेंट रहेगा। जब MRS कांस्टेंट रहेगा तो ये इसका आंसर है। और इस केस में ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं तो कैसी स्लोप बनेगी, स्लोप विल बी स्ट्रेट लाइन, स्लोप विल बी स्ट्रेट लाइन, ठीक है, क्योंकि ये जो सब्स्टिट्यूट हैं ये सेम हैं तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कौन से सब्स्टिट्यूट को यूज़ कर रहे हैं, तो इसीलिए MRS जो है बिल्कुल भी डिमिनिश नहीं करेगी, वो कांस्टेंट रहेगी, तो रिजल्टिंग MRS विल बी अ स्ट्रेट लाइन। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। ओके, कमिंग अपॉन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, When MRS is positive, the slope of IC will be, जब MRS positive हुआ, जब MRS positive होगा तब slope of IC curve क्या होगी? Again, this is again an exception to IC curve. Indifference curve का ये भी एक दूसरा exception है, तो MRS जो है वो ये इस केस में concave होगी, ठीक है, क्या होगी? Concave होगी slope of, when MRS is positive तो slope कैसी होगी? Concave। देखिए actual में MRS ऐसे था, स्लोप ऐसे थी बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग MRS, कॉन्वेक्स थी। फिर हमने कहा जी ये तो खाली सब्स्टिट्यूट हैं, जब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होंगे तब स्ट्रेट लाइन होगी। ये खाली सब्स्टिट्यूट है, ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, याद रखना, ये खाली सब्स्टिट्यूट है, ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, ठीक है, इस केस में स्ट्रेट लाइन होगी स्लोप। अब आपके पास जो स्लोप है इस केस में जी MRS पॉजिटिव हो गई, यहाँ पे MRS डिक्रीज कर रही थी, यहाँ पे MRS पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव का मतलब है एक्स जो है ना, गुड एक्स जो है उसकी सेटिस्फैक्शन मुझे ज़्यादा मिल रही है वाई से। अभी यहाँ पे हमने क्या कहा था कि एक्स और वाई की लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम है, ठीक है, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम है, सॉरी मैं एक सेकंड फिर से ड्रॉ कर देती हूँ उसको। यहाँ पे हमने क्या कहा था कि एक्स और वाई की जो सेटिस्फैक्शन है वो डिमिनिश कर रही है, डिमिनिश कर रही है, ठीक है, बट यहाँ पे इस केस में क्या हुआ, एक्स की मुझे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलने लगी वाई से। जब मुझे एक्स की ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलने लगी वाई से, जबकि सेम मिलनी चाहिए अकॉर्डिंग टू इंडिफरेंस कर्व, तो जब एक्स की ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलने लगी वाई से तो वो शेप जो है वो ऐसे बन जाती है, ठीक है। तो ये दिस इज़ यहाँ पे पॉजिटिव MRS है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज पॉजिटिव, यानी आई एम गेटिंग मोर सेटिस्फैक्शन, मोर यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग प्रोडक्ट एक्स दैन प्रोडक्ट वाई, सो द रिजल्टिंग MRS या द रिजल्टिंग स्लोप विल बी कॉन्केव, याद रखना, ठीक है। और एक और एक्सेप्शन है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में, जो इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो MRS बनेगी या जो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व होगी दैट विल बी एल शेप्ड, याद रखना, एल शेप्ड इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यही एक्सेप्शंस हैं इंडिफरेंस कर्व की, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दी, तो इसका जो ऑप्शन है दैट इज, सॉरी जो आंसर है दैट इज
option number B for question number 15. Hope I'm clear with all the questions. Thank you so much. Take care. Bye-bye.